गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम सीखेंगे बैडमिंटन गेम के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हो ना, ये है हमारा बैडमिंटन रैकेट और ये है हमारी शटल कॉक। ठीक है, ऐसा ही डायग्राम आप लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, इसको हम बैडमिंटन दरअसल क्या है ना, बैडमिंटन खेल का नाम है। जिसके साथ हम खेलते हैं ना, इसको हम बोलते हैं बैडमिंटन रैकेट। इसको हम क्या बोलते हैं, बैडमिंटन रैकेट। और जिसको आप लोग चिड़िया बोलते हो ना, चिड़िया, इसको बोलते हैं शटल कॉक। क्या बोलते हैं, शटल कॉक। ठीक है, तो बैडमिंटन खेल जो होता है वो टीम गेम भी है और इंडिविजुअल गेम भी है। ठीक है, टीम गेम भी और इंडिविजुअल गेम भी, इसमें टीम बना करके भी खेला जाता है और एक एक खिलाड़ी भी अकेले भी इसमें खेल सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम इसके हिस्ट्री की बात कर ले तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जो आपको जानना चाहिए, बैडमिंटन खेल की जो शुरुआत है ना वो हमारे भारत देश से ही हुई। कहाँ से हुई, हमारे भारत देश से हुई, पूना शहर से हुई। और ब्रिटिश जो सेना के अधिकारी होते थे ना, जब अंग्रेजों का शासन था उस वक्त ये खेल लगभग 1850 समथिंग इसी के आसपास इस खेल की शुरुआत हुई, जो कि ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों द्वारा खेला जाता था। ठीक है, इसको इसीलिए इसको पूना खेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बैडमिंटन खेल को अगर हम बात करें तो इसको अगर हम पुराने नाम से अगर जाने तो इसको पूना नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ये हमारा बैडमिंटन रैकेट है, ये हमारी शटल कॉक है। और बैडमिंटन खेल की जो शुरुआत हुई थी वो भारत से ही हुई थी। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं जिस बैडमिंटन रैकेट के साथ हम खेलते हैं इसकी पूरी अगर हम लंबाई की बात करें ना, ये जो पूरा बैडमिंटन रैकेट होता है, पूरा बैडमिंटन रैकेट यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे बैडमिंटन रैकेट की यानी इसकी ग्रिप से लेकर हैंडल से लेकर और इसके हेड तक के बीच की जो लंबाई होगी ना वो कितनी होगी, 680 mm होगी। कितनी होगी, 680 mm कितनी होगी इसकी लंबाई, बैडमिंटन रैकेट जिससे हम खेलते हैं बैडमिंटन खेल को उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 680 mm। mm का मतलब यहां पर होता है मिलीमीटर। ठीक है, ध्यान रखना है, mm का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर। और बैडमिंटन रैकेट की अगर हम चौड़ाई की बात करें, ठीक है, क्या किस चीज की बात करें, बैडमिंटन रैकेट की अगर हम चौड़ाई की बात करें यानी चौड़ाई की बात यानी यहां से लेकर ये जो रैकेट का हेड होता है ना इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो ये 230 mm का होता है। कितना होता है, 230 mm का। अगर इस बैडमिंटन रैकेट की चौड़ाई की बात करें तो ये होता है 230 mm। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई कि बैडमिंटन रैकेट जो होता है हमारा कितना लंबा होता है, 680 mm यानी 680 मिलीमीटर। और जो बैडमिंटन रैकेट होता है इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 230 मिलीमीटर। ठीक है, ये जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं, इसका हैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं। यहीं पर इसकी ग्रिप भी होती है जहां पर हम पकड़ बनाकर रखते हैं। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है इसका हेड। ठीक है, ध्यान रखना दो इंपॉर्टेंट इसके हिस्से हैं, एक हमारा हेड है और एक हमारा हैंडल है। जो हेड होता है इसकी चौड़ाई कितनी होती है, बैडमिंटन रैकेट की पूरी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 230 mm। और इसकी जो पूरी लंबाई हैंडल से लेकर ऊपर हेड के टॉप तक कितनी होती है, 680 mm। कितनी होती है, 680 mm। ठीक है, अब अगर हम बात करें ये जो हमारी शटल कॉक है ना, शटल कॉक, ये इसको हम क्या बोलते हैं, चिड़िया बोलते हैं या शटल कॉक, इसको हम चिड़िया बोलते हैं या शटल कॉक। ठीक है, बैडमिंटन खेल की चिड़िया, उड़ने वाली चिड़िया नहीं, बैडमिंटन खेल की चिड़िया, इसको हम बैडमिंटन रैकेट के थ्रू उड़ाते हैं, खेलते हैं ना। तो इस चिड़िया की अगर हम बात करें, किस चीज की, इस चिड़िया की पूरी लंबाई यानी शटल कॉक की पूरी लंबाई की बात करें तो ये 62 से 70 mm की होती है। यानी इस चिड़िया की पूरी जो लंबाई यहां से यहां तक होगी 62 से 70 mm के बीच होगी। कितनी, 62 से 70 mm, ध्यान रखना 62 से 70 mm होगी, 62 से 70 mm यानी मिलीमीटर। ये जो हमारी शटल कॉक होगी, ये चिड़िया होगी, ये 62 से 70 mm तक इसकी जो पूरी लंबाई होगी। ठीक है, और इसके व्यास की यानी इसकी हम गोलाई की अगर हम बात करें तो 25 से 28 mm। ये जो चिड़िया होती है इसकी जो पूरी यहाँ से सराउंडिंग गोल होती है ना ऊपर से चिड़िया शटल कॉक हमारी, तो उसका जो डायामीटर होता है, उसके जो ऊपर से जो गोल होती चिड़िया उसका जो व्यास या डायामीटर जो होता है वो होता है 25 से 28 mm। यानी कि हम बात करें किसकी, चिड़िया के व्यास की। ठीक है,
चिड़िया का व्यास, ठीक है, तो चिड़िया का व्यास जो होगा वो कितना होगा, 25 से 28 mm होगा, ठीक है। चिड़िया का जो व्यास होगा वो कितना होगा, 25, कम से कम 25 mm होना चाहिए और अधिक से अधिक कितना, 28 mm। चिड़िया की जो ऊपरी हिस्से की जो गोलाई होती है उसका जो डायमीटर होगा, उसका जो व्यास होगा वो कम से कम 25 mm होगा और अधिक से अधिक 28 mm होगा। ये गोलाई यहां से होती है इसकी, ठीक है, ऐसे गोल होती है ना ऊपर से चिड़िया हमारी, ठीक। अब इसमें पंखों की संख्या अगर हम ले लें, इसमें देखो, देखा होगा चिड़िया में क्या होते हैं, जैसे चिड़िया उड़ती है तो उसके पंख होते हैं ना, पंख की वजह से उड़ती है ना, तो ये चिड़िया, इस चिड़िया में भी क्या होते हैं, पंख होते हैं, पर होते हैं, तो इसमें परों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, परों की जो संख्या होगी चिड़िया की वो कितनी होगी, 14 से 16 होगी, ठीक है। कम से कम 14 पंख होने चाहिए और अधिक से अधिक 16, लेकिन ये याद रखना कि अगर एक सिंगल इंडिविजुअल आंसर देना हो तो 16 पंख होने चाहिए, कितने, 16 पंख होने चाहिए या 14 से 16, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। और जो हमारा चिड़िया का वजन होता है ना, वो 4.74 से लेकर 5.50 ग्राम होता है। ये जो जिस चिड़िया के साथ हम खेलते हैं, ठीक है, इस चिड़िया का जो वजन होगा वो कितना होगा, चिड़िया का वजन, तो चिड़िया का वजन कितना होगा, 4.74 से 5.50 ग्राम तक, कितना, 4.74 से 5.50 ग्राम, ठीक है। इतनी भारी हमारी क्या होती है, चिड़िया होती है, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीज। तो ये तो बैडमिंटन के जो दो मुख्य चीजें हैं जिनके द्वारा हम खेलते हैं, बिना इनके तो बैडमिंटन का गेम हो ही नहीं सकता। तो बैडमिंटन रैकेट की लंबाई कितनी होती है, ये हमारा बैडमिंटन रैकेट है, ठीक है। इसकी नीचे यहाँ पर हैंडल होती है जहां पर ग्रिप होती है, ये उसका हेड का हिस्सा होता है। बात करें इसके बैडमिंटन की पूरी लंबाई की तो 680 mm, यानी कि 680 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ एमएम का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर होता है, ठीक है। फिर इसके हेड की चौड़ाई की बात करें तो वो 230 मिलीमीटर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बैडमिंटन रैकेट बोलते हैं, ठीक। अब चिड़िया की बात करें तो चिड़िया का जो डायमीटर होता है, ऊपर से जो चिड़िया गोल वाला हिस्सा होता है उसका जो व्यास होता है या डायमीटर होता है वो कितना होता है, 25 से 28 mm तक होता है। चिड़िया की नीचे से ऊपर तक इसकी जो लंबाई होती है क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, लंबाई बोलते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक जो इसकी लंबाई होगी चिड़िया की वो कितनी होगी, 62 से 70 mm तक होगी, मिलीमीटर तक, ठीक है। इसका व्यास जो होगा वो 25 से 28 mm तक होगा। और इस चिड़िया को हम क्या बोलते हैं, शटल कॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शटल कॉक, क्या बोलते हैं इस चिड़िया को हम, शटल कॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शटल कॉक बोलते हैं, शटल कॉक, चिड़िया को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शटल कॉक बोलते है। और इसके वजन की बात करें तो कितना होता है, इस चिड़िया का वजन कितना होता है, 4.74 से 5.50 ग्राम होता है, ठीक। इतनी चीज क्लियर हुई। अब इससे पहले जो बताया था बैडमिंटन खेल की शुरुआत किस देश से हुई, बैडमिंटन खेल की शुरुआत हमारे भारत देश से हुई। भारत में किस शहर से हुई, पूना शहर से हुई। किन्होंने करी, ब्रिटिश काल में जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन था उस समय ब्रिटिश के जो सेना अधिकारी थे उन्होंने इस खेल को भारत के अंदर शुरू किया था, ठीक है। इसीलिए इसको पूना नाम से भी जानते हैं हम। बैडमिंटन का अगर प्राचीन नाम की बात करें भारत में तो इसको और किस नाम से जानते हैं हम, पूना नाम से जानते हैं। और ये कैसा खेल है, ये इंडोर खेल भी है और आउटडोर खेल भी है, लेकिन बेसिकली ज्यादातर ये इंडोर खेल यानी कमरे के अंदर खेला जाता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। और ये टीम गेम भी है और इंडिविजुअल गेम भी, यानी इसमें टीम के साथ भी खेल सकते हैं, दो दो खिलाड़ी करके भी खेल सकते हैं और अलग अलग खिलाड़ी भी खेल सकते हैं। इसके बारे में भी आगे समझाते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई, इसको बना डालो फटाक से। अब देखो इतनी चीजों के बाद अब हम क्या जानेंगे इसमें, अब हम जानेंगे बैडमिंटन खेल के प्रकार, यानी बैडमिंटन का जो खेल होता है उसमें कितने प्रकार के खेल होते हैं, ठीक है। तो उसमें मुख्य रूप से तीन प्रकार के खेल खिलाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान देना। उसमें कितने प्रकार के खेल होते हैं, तीन प्रकार के खेल खिलाए जाते हैं। पहला होता है सिंगल, ठीक है, पहला जो खेल होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगल गेम बोलते हैं। दूसरे को बोलते हैं डबल, डबल्स, और तीसरे को बोलते हैं मिक्स डबल्स, ठीक है। एक होता है सिंगल्स,
डबल्स और मिक्स डबल्स। सिंगल का मतलब होता है एकल, यानी कि इस सिंगल वाली जो खेल प्रतियोगिता होगी बैडमिंटन की, इसमें दोनों टीम में एक एक खिलाड़ी होगा, चाहे वो लड़का होगा तो उसके सामने लड़का खेलेगा, एक तरफ लड़की खेल रही होगी एक लड़की, तो दूसरी तरफ से भी एक लड़की ही खेल रही होगी। तो सिंगल्स का मतलब होता है एक टीम में एक लड़का, दूसरी टीम में एक लड़का, या एक टीम में एक लड़की, दूसरी टीम में एक लड़की, ठीक है। सिंगल्स में गर्ल्स बॉयज का अलग अलग हो जाता है। फिर डबल्स की बात करें तो डबल्स का मतलब क्या होता है, डबल्स का मतलब जिसमें एक टीम में दो खिलाड़ी खेलेंगे, ठीक, कितने खिलाड़ी खेलेंगे, एक टीम में दो खिलाड़ी, लेकिन दोनों ही लड़के होंगे या दोनों ही लड़कियां होंगी आमने सामने, ये ध्यान रखना है, दोनों टीम में दो दो लड़के होंगे या दो दो लड़कियां होंगी, ठीक है। तो हो गया हमारा डबल्स में। मिक्स डबल्स का मतलब, मिक्स डबल्स में देखो मिक्स का मतलब क्या होता है, अलग अलग चीजों को मिला देना, वैसे ही मिक्स डबल्स का मतलब होता है एक लड़का एक लड़की एक टीम में, ठीक है, यानी एक टीम में कौन कौन खेलेगा, एक लड़का होगा और एक लड़की खेलेगी, दूसरी टीम में भी कौन होगा, एक लड़का खेलेगा और एक लड़की खेलेगी। तो ये चीज क्लियर हुआ। बैडमिंटन खेल के प्रकार की बात करें तो कितने खेल के प्रकार है, इसमें तीन खेल के प्रकार है, पहला हो गया हमारा सिंगल्स हो गया, दूसरा हो गया हमारा डबल्स और तीसरा हो गया हमारा मिक्स डबल्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। तीन प्रकार के खेल हमारे बैडमिंटन खेल के अंदर खिलाए जाते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज बैडमिंटन में। अब बैडमिंटन की बात करते हैं, ऐसा दिखता है हमारा कुछ बैडमिंटन का कोर्ट या मैदान, जिसको आप समझ सकते हो बैडमिंटन का कोर्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बैडमिंटन कोर्ट बोलते हैं। इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। अगर इसके आकार की बात करें तो वो कैसा होता है, आयताकार इसका आकार होता है। आकार कैसा होता है हमारे मैदान का, आयताकार, आयताकार समझते हो ना, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, जैसे ये वाली भुजा आमने सामने बराबर है और ये दोनों इससे छोटी है, लेकिन ये आमने सामने में क्या है, बराबर है, इसको हम आयताकार आकार में बोलते हैं, ठीक है। बात करें इसकी हम लंबाई की, अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो यहां से लेकर और यहां तक में इसकी जो कुल लंबाई होगी वो कितनी होगी, 44 फुट होगी, कितनी होगी, 44 फुट होगी, कितनी लंबाई होगी, 44 फुट होगी। तो बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई होती वो कितनी होती, 44 फुट होती है, ठीक। और इसकी ये चौड़ाई की बात करें तो कितनी होती है, यहां से पूरी यहां तक जो इसकी चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 20 फुट होगी, कितनी, 20 फुट होगी, कितनी, 20 फुट, ठीक। और यहां से यहां तक इसकी चौड़ाई कितनी होगी, यानी इस रेखा से लेकर इस रेखा के बीच की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, वो होगी 17 फुट होगी, कितनी फुट होगी, 17 फुट होगी। अब देखो ये अलग अलग मार्किंग क्यों है उसको भी समझना है। 44 × 20 फुट का जो पूरा मैदान होता है ना, इस कोने से लेके ये चारों कोने से पूरा मैदान होगा, ये डबल्स के खिलाड़ियों के लिए होता है। यानी 44 लंबाई और 20 फुट जो चौड़ाई होगी वो किसके लिए होगा, डबल्स के खिलाड़ियों के लिए होगा। यानी एक टीम में जब दो खिलाड़ी खेलेंगे तो इस रेखा से इस रेखा के बीच के अंदर का पूरा एरिया खेल के अंदर शामिल किया जाता है। लेकिन जब एक एक खिलाड़ी खेलते हैं ना तो उसमें क्या होता है, लंबाई तो उतनी रखते हैं लेकिन चौड़ाई हम 17 फुट वाली रख लेते हैं, ठीक है। तो डबल्स के लिए अगर हम बात करें, डबल के लिए मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, डबल के लिए होती 44 × 20 फुट होती है, कितनी, 44 × 20 फुट डबल्स के लिए। टीम गेम के लिए अगर हम बैडमिंटन खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 44 × 20 फुट होगी। वही सिंगल के लिए कितनी होती है, 44 × 17 फुट होती है, सिंगल के लिए कितनी होती है, 44 × 17 फुट होती, कितनी, 44 × 17 फुट होती। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, जब टीम में एक एक खिलाड़ी खेल रहे होंगे आमने सामने तो लंबाई 44 फुट ही रखी जाएगी, लेकिन जो चौड़ाई होगी वो 17 फुट की ली जाती है, उसके बाहर का एरिया क्या मान लिया जाएगा, आउट मान लिया जाता है। तो अगर हम बात करें इसमें सिंपल सा, तो ये वाली जो लाइन है ना, अंदर वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है अंदर वाली, ठीक है, ये वाली लाइन होती है सिंगल साइड लाइन होती है, कौन सी, सिंगल साइड लाइन होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंगल साइड लाइन, ठीक है, सिंगल साइड लाइन। यानी जब एक एक खिलाड़ी खेलेंगे तो ये उनके लिए ये साइड लाइन मानी जाएगी, ठीक है। और जो ये वाली लाइन होती है, कौन सी, इधर से समझते हैं, ये वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं डबल साइड लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल साइड लाइन, ठीक है। जब दो खिलाड़ी खेलेंगे तो ये अंतिम रेखा मानी जाएगी, साइड की रेखा मानी जाएगी, ठीक है। और
बैक गैलरी पूरी ओपन रहती है सिंगल में, ठीक है, उसमें क्योंकि पूरा 44 लिया जाता है। इसको बोलते हैं साइड गैल लॉबी, साइड गैलरी। इसको बोलते हैं क्या? साइड गैलरी बोलते हैं। ये किनारे वाली दोनों गलियारे हैं, इनको हम बोलते हैं साइड गैलरी। इनको क्या बोलते हैं? साइड गैलरी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? साइड गैलरी बोलते हैं, साइड गैलरी बोलते हैं, ठीक है। और ये वाली कौन सी होती है? इसको हम बोलते हैं बैक गैलरी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई साइड गैलरी और ये वाली हो गई बैक गैलरी। ठीक, ये वाली जो होती है हमारी शॉर्ट सर्विस लाइन होती है। क्या होती है? शॉर्ट सर्विस लाइन। इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्विस लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्विस लाइन। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन क्या कहलाती हैं? शॉर्ट सर्विस लाइन कहलाती हैं, ठीक है। और ये दोनों जो लाइन होती हैं क्या कहलाती हैं? लॉन्ग सर्विस लाइन कहलाती हैं, ठीक। कौन कौन सी? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन क्या कहलाएंगी? लॉन्ग सर्विस लाइन कहलाएंगी, लॉन्ग सर्विस लाइन कहलाएगी, ठीक है। तो बैडमिंटन कोर्ट समझ में आया? बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो जब दो दो खिलाड़ी आमने सामने खेलेंगे तो 44x20 फुट लिया जाएगा, नहीं लंबाई उतनी ही ली जाएगी, लेकिन चौड़ाई पूरी यहां से लेके यहां तक ली जाएगी। लेकिन एक एक खिलाड़ी खेले तो लंबाई उतनी ही रहेगी, लेकिन जो चौड़ाई होगी वो कम हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी? 20 फुट की जगह कितनी हो जाएगी? 17 फुट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ? इस वाले को हम बोलते हैं साइड गैलरी, पीछे वाले को हम बोलते हैं बैक गैलरी। ये वाली जो लाइन होती है वो कहलाती है कौन सी? सिंगल साइड लाइन कहलाती है। और सबसे आखिरी वाली जो इधर वाली लाइन कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? डबल्स साइड लाइन कहलाएगी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई? यहां पर बीच में पोल लगे होते हैं इस जगह पर, ठीक है। और पोल में क्या बंधा होता है हमारा? नेट बंधा होता है। पोल में क्या बंधा होता है हमारा? नेट बंधा होता है, जाल बंधा होता है ना, देखा होगा तुम लोगों ने। पोल में क्या बंधे होते हैं? जाल बंधे होते हैं, ठीक। नेट की जो ऊंचाई होती है ना, ये जो नेट हमारा बंधा हुआ है इसकी अगर हम हाइट की बात करें, चलो इसको नेट को हम अलग से समझाते हैं, ठीक। इतनी चीज क्लियर हुई? तो मैदान कैसा होता है? मैदान हमारा आयताकार होता है, ठीक है। चार भुजाएं होती हैं इसमें। कितने किस आकार का होता है? आयताकार का होता है। लंबाई कितनी होती है बैडमिंटन के कोर्ट की? 44 फुट होती है। पूरी चौड़ाई कितनी होती है बैडमिंटन कोर्ट की? 20 फुट होती है। सिंगल के लिए कितनी चौड़ाई होती है? 17 फुट होती है। डबल के लिए कितनी चौड़ाई होती है? 20 फुट होती है। सिंगल के लिए कितनी लंबाई होती है? 44 फुट। डबल के लिए कितनी लंबाई? वो भी 44 फुट होती है, ठीक है। क्लियर हुआ? पीछे वाली गैलरी को क्या बोलते हैं? बैक गैलरी। किनारे वाली गैलरीज को क्या बोलते हैं? साइड गैलरीज बोलते हैं, ठीक। क्लियर हुआ इतनी चीज? चलो अब आगे देखते हैं, नेट के बारे में समझते हैं। हम बात करें नेट की, तो हमारे दो पोल्स लगे होते हैं ना, इधर से बनाते हैं। यहां पर हमारे दो खंभे लगे होंगे ग्राउंड के अंदर, ठीक है। और उस पर क्या बंधा होगा हमारा? नेट बंधा होता है, ठीक है। सेंटर लाइन मान लेते हैं यहां से। इस पर क्या बंधा होता है हमारा? नेट बंधा होता है, ठीक। क्या बंधा होता है? नेट बंधा। तो पोल से नेट की जो ऊंचाई होती है, मतलब जो पोल हमारा, जो खंबा हमारा नेट पे बंधा होता है, जमीन पे गड़ा होता है, इसकी जो ऊंचाई यहां से जमीन से जहां से पोल गड़ा है वहां से यहां तक अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 1.55 मीटर होती। कितनी होती है? 1.55 मीटर होगी, ध्यान रखना, ठीक है। पोल से नेट की ऊंचाई कितनी होगी? जाल की ऊंचाई कितनी होगी? 1.55 मीटर होगी। कितनी ऊंचाई होगी? 1.55 मीटर होगी, ठीक। और सेंटर से, यानी इस सेंटर से अगर हम नेट की ऊंचाई की बात करें यहां से यहां तक, तो होगी 1.52 मीटर होगी। कितनी? 1.52 मीटर हमारी नेट की क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ? और पूरी चौड़ाई की अगर हम बात करें, जो चौड़ाई होती पूरी नेट की, जो जो हमारा जाल बंधा होता है, ये जाल यहां से यहां तक होता है ना, इसकी चौड़ाई की बात करें तो 6.1 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। कितनी? 6.1 मीटर इसकी चौड़ाई होती है मिनिमम। कम से कम नेट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 6.1 मीटर होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा बैडमिंटन के जो मैदान में, जो मैदान भी अगर इसमें अटैच कर रहे हो तो वो कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, है ना, ये ऐसे ही तो होगा। फिर अंदर ये साइड गैलरी हो जाएगी,
इधर भी साइड गैलरी हो जाएगी, यहां से बैक गैलरी हो जाएगी, है ना। फिर यहाँ शॉर्ट सर्विस लाइन हो जाएगी, यहां भी शॉर्ट सर्विस लाइन हो जाएगी, ये हमारा लेफ्ट कोर्ट और राइट कोर्ट में डिवाइड हो जाएगा ना। ऐसा दिखता है हमारा बैडमिंटन का कोर्ट। ठीक, साइड गैलरी हो गई, बैक गैलरी होगी, नेट के बारे में समझ में आ गया। नेट की जो ऊंचाई होती है, जब पोल से नेट की ऊंचाई कितनी होगी 1.55 मीटर, सेंटर से नेट की ऊंचाई कितनी होगी 1.52 मीटर, कम से कम नेट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए 6.1 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीज हमारा बैडमिंटन। ठीक, अब बैडमिंटन खेल में मोटी मोटी चीजें हमने क्या सीखी आज कि बैडमिंटन खेल जो शुरुआत कहां से हुई, वो भारत देश से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, किसने की थी, जब अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे तो उस वक्त जो अंग्रेजी सेना के जो अध्यक्ष होते थे वो बैडमिंटन खेल को उन्होंने भारत में शुरू किया। उस वक्त इसको पूना नाम से जाना गया। किस नाम से? पूना नाम से जाना गया। और ये भारत में पूना शहर से ही इस खेल की शुरुआत हुई थी। ठीक, बैडमिंटन खेल में अगर हम रैकेट की लंबाई की बात करें तो कितनी होती है भाई, रैकेट की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, कितनी बताई थी रैकेट की लंबाई 680 mm होती है। कितनी होती है 680 mm, और जो रैकेट की पूरी चौड़ाई होती है वो कितनी होती है 230 mm होती है। और अगर बात करें चिड़िया में जो पंख लगे होते हैं वो कितने होते हैं 14 से 16, या आप सीधे सीधे डायरेक्टली बोल सकते हो कितने पंख होते हैं 16 पंख होते हैं, लेकिन कम से कम भी पंख उसमें इस्तेमाल करेंगे तो कितने 14 से कम पंख हम चिड़िया के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चिड़िया को और क्या किस नाम से जानते हैं हम, शटल कॉक के नाम से जानते हैं। किस नाम से? शटल कॉक के नाम से जानते हैं। और बात करें चिड़िया के वजन की तो वो कितनी बताई थी, चिड़िया का जो वजन होता है वो होता है 4.74 से लेकर 5.50 ग्राम के बीच में ही इसका वजन होना चाहिए, यानी कम से कम 4.74 ग्राम होना चाहिए और अधिक से अधिक 5.50 ग्राम होना चाहिए। ठीक, तो चिड़िया की बात हो गई। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये कितना लंबा होता है, ये 44 फुट लंबा होता है। ये टोटल कितना चौड़ा होता है, 20 फुट चौड़ा होता है। सिंगल के लिए कितना चौड़ा होता है, 17 फुट चौड़ा होता है। साइड वाले को साइड गैलरी, पीछे वाले को बैक गैलरी। इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस वाली को सिंगल साइड लाइन बोलते हैं, इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं, डबल साइड लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन कहलाती है हमारी क्या, शॉर्ट सर्विस लाइन कहलाती है। ये दोनों लाइन क्या कहलाती है, लॉन्ग सर्विस लाइन कहलाती है। कितने प्रकार के खेल खिलाए जाते हैं बैडमिंटन के अंदर, 3 प्रकार के खेल खिलाए जाते हैं। सिंगल्स गेम होते हैं, डबल्स गेम होते हैं और मिक्स डबल्स होते हैं। सिंगल गेम से या तो एक लड़का सामने भी एक लड़का खेलेगा, एक एक खिलाड़ी खेलेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। डबल्स में दो दो खिलाड़ी आमने सामने खेलेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन मिक्स डबल्स में कैसे खेलेंगे, एक टीम में एक लड़का और एक लड़की होगी, दूसरी विपक्षी टीम में एक लड़की और एक लड़का होगा। ठीक है, बात करें इसकी पॉइंट्स की तो पॉइंट्स इसमें कितने होते हैं, 21 पॉइंट का मैच होता है। कितने पॉइंट का, 21 पॉइंट का मैच होता है। ठीक है, कितने पॉइंट का, 21 पॉइंट का मैच होता है। 3 मैच का सेट होगा या 5 मैच का सेट होगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे बेसिक चीजें जो तुम लोगों के सिलेबस के हिसाब से उतना बता रहा हूं कि जितने में तुम लोग को जानकारी हो जाए कि हाँ बैडमिंटन खेल में ये मुख्य रूप से चीजें इस्तेमाल होती हैं, तो इतनी जानकारी तुम लोग को रखना बहुत जरूरी है। ठीक, बाकी प्रैक्टिकल तो हम लोग स्कूल खुलेगा तब कर ही लेंगे। ठीक है, तो अभी इतना ही जानना तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई, इसको अच्छे से फिजिकल एजुकेशन की कॉपी में कर लेना है सबको। ठीक है, डायग्राम भी अच्छे से प्रॉपर तरीके से बना देना, और मैं डायग्राम आपको व्हाट्सअप भी कर दूंगा अलग से बैडमिंटन का। अगर इसमें टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा तो ग्रुप में व्हाट्सअप में अलग से डायग्राम मिल जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, ठीक, आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट कल की क्लास में मिलेंगे सब लोग। ठीक है, तब तक लिए बाय।